स्पर्म काउंट, शुक्राणु की कमी वीर्य में। जो लोग ये सोच के आए हैं कि 7 से 10 दिन में मैं इंक्रीज कर लूँगा, वो लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। स्पर्म काउंट को इंक्रीज होने में कम से कम 3 महीने 14 से 15 सप्ताह लग ही जाएगा मिनिमम। और जो लोग आयुर्वेदा पे, जी हाँ आयुर्वेदा पे और नेचर पे बिलीव करते हैं, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा स्पर्म काउंट कम होने का क्या क्या रीज़न होता है और उसे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। आयुर्वेदा और साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है, जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनका स्पर्म काउंट कम होता देखा गया है। तो सबसे पहले आपको टेंशन लेना कम करना होगा, अगर नहीं कर पाओगे तो इसकी भी मेडिसिन आती है, इसका भी आयुर्वेद में इलाज है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, बहुत गर्म जगह में रहना या हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म गर्म चीज़ को खाना। तीसरा जो फैक्टर है स्पर्म कम होने का, वो है एज। एक सर्टन एज के बाद स्पर्म का काउंटिंग कम होने लगता है, मतलब कि स्पर्म हमारे बॉडी में कम बनने लगती है। और सबसे कॉमन जो रीज़न है वो होता है अल्कोहल और गलत खान पान का नियम। अगर आप गलत तरीके से खाना खाते हो, हमेशा अल्कोहल लेते हो, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो एक एज के बाद, तो भी स्पर्म काउंट आपका गिरता हुआ नज़र आएगा। आप अपने स्पर्म काउंट को अपने घर पे ही बहुत कम खर्चों में इंक्रीज कर सकते हो, बहुत ही इजी मेथड का यूज़ करके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप उठते हो, जब आपकी पेट खाली होती है, लहसुन जिसे हम लोग गार्लिक कहते हैं, उसकी 3 से 4 पुड़िया, जी हाँ जिसे हम लोग हिंदी में दाने भी कहते हैं, 3 से 4 दाना गर्म पानी के साथ आप चबा के खा जाओ या निगल भी सकते हो अगर चबाने में प्रॉब्लम होती है तो। लहसुन खाने के आधे घंटे के बाद गुड़ और दही मिला के आपको खाना है। जो लोग दही नहीं खाते हैं वो लोग इस मेथड को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गार्लिक खाते हो तो आधे घंटे के बाद गुड़ और दही अगर आप लेते हो तो और अच्छा इफ़ेक्ट काम करना स्टार्ट करेगा। आप सिंपल सा कोई भी ब्रेकफास्ट लेते हो या ऑफिस जाने से पहले कोई भी खाना खाते हो, उसको आप सिंपल तरीके से जो खाना खाते हो वो खाओगे। खाना खाने के बाद अगर पॉसिबल हो तो खाना खाने के आप आधे घंटे के बाद दूध में एलमंड, वॉलनट और छुहाड़ा, जिसको हम लोग ड्राई कहते हैं, ड्राई डेट्स कहते हैं, तीनों को डाल के थोड़ी सी मिश्री डाल के, 1 चम्मच मिश्री डाल के दूध को बॉयल करोगे और उसी दूध को पी लोगे, या बोतल में रख के आप अपना ऑफिस ले जा सकते हो, ऑफिस में भी इसे जाके पी सकते हो। ब्लूबेरी और डार्क चॉकलेट जितना से जितना ज़्यादा आपको खा सको तो आप खाओ, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपके बुद्धि को शांत रखेगा, तनाव से दूर रखेगा। तो तनाव आपका दूर रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका स्पर्म काउंट धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद कह रहा है और ये साइंस कह रहा है। आपको अपने खाने में विटामिन डी और विटामिन सी, हिंदी में विटामिन सी कहते हैं और विटामिन डी कहते हैं, इससे भरपूर जितना भी भोजन ले सको इसे लेना आप लोग स्टार्ट कर दो। ये तो कॉमन तरीका हो गया जो आपको घर पे अपना खान पान में इंक्रीज करना है या खान पान में डेली आपको यूज़ करना है। अब आपको 2 आयुर्वेद का मेडिसिन बता रहा हूँ जो मैं बार बार अपने वीडियो में बोलते रहता हूँ, अश्वगंधा और शिलाजीत को मिला के लो, रात में भी ले सकते हो और दोपहर में खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। तो ऑटोमेटिक जितना मैंने बताया है इसका आप यूज़ करके देखो, 3 महीने के अंदर आप अपना स्पर्म काउंट को चेक करवा सकते हो कि आपको ये इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। सबसे लास्ट में जो मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ, जो उपाय बता रहा हूँ, वो है एक्सरसाइज, हिंदी में व्यायाम। तो बहुत लोगों को पसंद नहीं होते एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, तो वो लोग क्या करो, कान में ईयरफोन लगा लो, जो भी आपका मनपसंद गाना है उस गाने को डाउनलोड कर लो, कान में ईयरफोन लगाओ और घर पे डांस करो या घर पे ही वॉक कर लो, अपने रूम में ही वॉक कर लो गाने को लगा के। तो आधे घंटे तक आप लोग को एक्सरसाइज करना ही करना है और जितना मैंने खान पान बताया उस खान पान को आप लोग को अपने दैनिक जीवन में यूज़ करना है। तो कोई भी आप लोग को डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी है सफ़र विथ मयंक, SAFAR सफ़र, WITH MAYANK के मयंक। कोई भी डाउट है मैं इंस्टाग्राम पे आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा जितना से ज़्यादा हो सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।